मीन राशि के जो जातक हैं 2024 में इनके लिए कुछ क्या खास परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इनके लिए कुछ खास क्या उपाय है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है 2024 में वो कैसे रहेगी, इनका जो स्वास्थ्य है वो कैसे रहेगा, इनका जो प्रेम प्रसंग है, जो विवाह है वो कैसा रहेगा, ये सारी सूचनाएँ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, हर कोई जानना चाहता है कि हमारा जो आने वाला समय है 2024 वो कैसा रहने वाला है। आप अपने भविष्य को लेके हर कोई चिंतित रहता है कि हमें जो आने वाला भविष्य यदि उसको अच्छा बनाना है तो यदि हमें अनुमान मिल जाए कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा तो हम उसके हिसाब से अपने जो हमारे रोज की दिनचर्या उसमें परिवर्तन ला के अपने समय को सही और मजबूत बना सकते हैं। तो जो मीन राशि का जो कुंडली बनता हुआ दिख रहा है 2024 का, जनवरी से ही जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं वो हमारे गुरु जी विद्यमान है दूसरे भाव में कुंडली के अनुसार, और सप्तम भाव में केतु जी विद्यमान है, नवम भाव में बुध और शुक्र स्थित हैं, दसवें भाव में सूर्य और मंगल विद्यमान हैं, शनि महाराज बारहवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु स्वयं प्रथम भाव में बैठ के मीन राशि के जो खर्चे हैं वो कम कर रहे हैं। तो दूसरे भाव में गुरु होने से इनकी जो वाणी है उसमें बहुत ही मधुरता आने वाली है, जिससे ये किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं, किसी से प्रेम हो सकता है इनको, जनवरी से ही ये किसी से लव अफेयर में फंस सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, व्यापार में वृद्धि होने वाला है, कुटुंब में इनका मान सम्मान बढ़ने वाला है, द्वादश भाव में शनि रहने से इनके जो खर्चे हैं वो नियंत्रण में होने वाले हैं, गुरु दूसरे भाव में रहेंगे इससे इनका जो पारिवारिक कलह है, पारिवारिक जो सम्मान है इनके लेके, तो आपसी प्रेम व्यवहार इनका सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेके राहु इनको थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं, राहु को आपका उपाय करना चाहिए। प्रेम भाव में पांचवें भाव में शुक्र और बुध, नौवें भाव में बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आप प्रेम प्रसंग में अपने आप को थोड़ा सा मत उलझाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा फंस सकते हो। आपकी वाणी जो है पूरे साल मधुर रहने वाली है, इसका आपसे कोई फायदा उठा सकता है। तो शनि जी आपके बारहवें भाव में रह के आपके खर्चे को कम करके आय को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो वृश्चिक राशि आपके बुध और शुक्र बैठे हैं नवम भाव में, वो आपके पारिवारिक में आपके लव अफेयर को बढ़ा रहे हैं। तो मिला जुला के आपकी जो कुंडली है अच्छी है, आय को लेके अच्छी है, स्वास्थ्य को लेके अच्छी है, प्रेम को लेके अच्छी है, लेकिन आप अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को इतना मत महका दीजिएगा कि वो आपके ऊपर ही भारी पड़ने लगे। ओवरऑल आपके जो खर्चे हैं वो कम रहने वाले हैं, आय आपकी बढ़ने वाली है। आप जनवरी से ही कुछ नया करने का विचार जो कर रहे हैं आप उसे कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। मार्च अप्रैल के बाद जब गुरु परिवर्तन होंगे उस समय आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप कुछ नया चीज़ खरीद सकते हो, चाहे वो ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके लिए शेयर बाज़ार बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम रहेगा इस समय, तो आप शेयर बाज़ार में भी अपने आप को इन्वेस्ट कुछ भी जो आप पैसा है वो कर सकते हो, मई के बाद कर सकते हो, मई से पहले मत करिएगा। राहु आपके थोड़े स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशान कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। उपाय आप जरूर करिएगा, गुरुवार का जो ब्रीज मंत्र है आपको ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। शनिवार के दिन आप पीपल को राई का तेल का जो दीपक वो जलाइएगा, साथ ही साथ शनि भगवान की जो कनिष्ठ का उंगली है उसमें आप राई का तेल जरूर लगाइएगा, इससे शनि जी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो कुंडली है बहुत अच्छी है, 2024 आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, सुखद जाने वाला है। प्रेम प्रसंग में मात आप बहुत ज़्यादा फंसिएगा, क्योंकि आपकी जो 2024 में वाणी रही है उसमें बहुत ही मधुरता आने वाली, बहुत ही मिठास आने वाली है। यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना समय लिख सकते हैं। कुंडली नहीं है आपका तो आप जिस दिन पैदा हुए हैं सोमवार मंगलवार और अपना नाम के साथ आप हमें कॉमेंट में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ सकूँ। यदि हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो आप हमें अपना बंधु भाई समझ के माफ़ करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।